हम लोग को वॉइस मिल रहा है। हमारा संविधान लागू कब हुआ था? सर, यस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए इस दिन को हम क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बनके तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को लागू हुआ था। और संविधान सभा में कितने महिलाएं सदस्य थी? 15 महिला सदस्य। ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। तो 15 महिला सदस्य क्या थे? संविधान सभा में शामिल थी 15 महिला। कितने महिला है? 15 महिला। इसमें देखिए राष्ट्रगान का, जो हमारा राष्ट्रगान है, संविधान और राष्ट्रगीत है, ये चौबीस जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे कितने समय में गाना होता है? 52 सेकंड में गाना होता है। इसे कितने समय में गाना होता है? 105 सेकंड में गाना होता है। तो इसको क्या है? अपनाया गया है। और देखिए इसी दिन जो 24 जनवरी को क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो चुना गया था वो क्या है, संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। देखिए हमारा जो संविधान सभा था ना, केवल संविधान नहीं बना रहा था, संविधान के साथ साथ क्या है, हमारे यहाँ पे प्रशासन भी देख रहा था। समझिएगा, संविधान सभा केवल संविधान नहीं बना रहे थे, बल्कि संविधान के साथ साथ यहाँ पे राजकाज भी देख रहे थे। जब संविधान सभा की बैठक होते थे तो वो संविधान सभा का काम होते थे, जब लेजिस्लेटिव की बैठक होते थे तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक होती थी। तो एक ही संस्था दो तरह का काम कर रहे थे, इसलिए समझिएगा। तो पहला जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो संविधान सभा में जो सदस्य चुन के आए थे उनके द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे, पहली बार समझ लेगा। और संविधान सभा दो तरह के काम कर रहे थे, एक संविधान भी बना रहे थे और दूसरा क्या था, गवर्नमेंट के रूप में या लेजिस्लेटिव के रूप में भी काम कर रहे थे, यानी विधायिका के रूप में भी काम कर रहे थे। तो ये अलग से कोई संस्था नहीं था, बल्कि एक ही संस्था था, दोनों काम कर रहे थे। संस्था एक है, काम दोनों किया जा रहा था। अब देखिए संविधान सभा में कुछ संस्थाएं बने थे, यानी समिति बने थे जो कामकाज को आसान करने के लिए, समिति और उनके अध्यक्ष, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति नेहरू जी, राज्य समिति पटेल जी, इसके बाद प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, अंबेडकर जी। ये मेन क्या है, समिति बने थे। सबसे इम्पोर्टेंट समिति क्या थे? प्रारूप समिति थी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसीलिए देखिए अंबेडकर को क्या है, संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि संविधान को लिखने का काम किसने किया था, ड्राफ्टिंग बनाने का काम किसने किया था, अंबेडकर जी ने किया था। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी क्या, अंबेडकर जी थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय उनके पास तीन तीन क्या था, पीएचडी के डिग्री थे। तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो थे अंबेडकर जी, और दूसरे नंबर पे थे बी एन राव, जो संविधान के सलाहकार थे, अभी आपको लिखाया था। तो अंबेडकर जी क्या है, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्हीं के
देख रेख में क्या है, संविधान को लिखा गया था, मतलब लिखा क्या, ड्राफ्टिंग किया गया था संविधान को, हाथ से तो दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, जिसको रामजादा कहते हैं, प्रेम नारायण रामजादा। प्रेम नारायण जो रामजादा है, उन्होंने संविधान को हाथ से लिखा था, यानी उस समय तो लिखा गया था, लेकिन अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो प्रारूप कमेटी था, इन्होंने संविधान को ड्राफ्टिंग पूरा किया था, उन्होंने किन चीजों को रखना है, किन चीजों को हटाना है, क्या क्या करना है, कम ज्यादा जो भी करना था, उसमें क्या था, अलग अलग डिबेट होते थे और डिबेट के बाद क्या था, डिसीजन ली जाती थी, वो काम कौन किया था, अम्बेडकर। इसलिए अम्बेडकर जी को क्या है, संविधान निर्माता कहा जाता है। अब देखिए हमारे संविधान जो है, बहुत सारे संविधानों से क्या है, कुछ अच्छे अच्छे चीजों को हम लोगों ने उसमें क्या है, अडेप्ट किया है, जो हमारे परिस्थिति के अनुसार हमारे लिए क्या है, सुटेबल है। तो कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज को अपनाया है उसको भी देख लीजिएगा। एक है देश और एक है अपनाया गया, क्या अपनाया गया, तत्व, एक्ट। पहला हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, पहले ब्रिटेन को ही देख लेते हैं, गुलाम किसके थे, हम लोग ब्रिटेन के थे। इसमें पहला है एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में देखिए सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन आप अमेरिका में जाएंगे तो डबल सिटीजनशिप है, वहां पे एक सेंटर का भी सिटीजन लेना पड़ता है और जिस स्टेट में आप रहेंगे उस स्टेट का भी सिटीजनशिप लेना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, अगर भारत में अगर आप किसी भी जगह का नागरिक है तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़कर, जो SC ST होते हैं और जो सुरक्षा से संबंध छोड़ रहे हैं, इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं पे भी आप कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात है संसदीय कानून व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं या पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रधानमंत्री का पद या मंत्रिमंडल कह सकते हैं, ये सारे चीज कहाँ है, हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा है अमेरिका, अमेरिका से लिया है हमने मूल अधिकार, जिसको आप फंडामेंटल राइट कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका किससे प्रीत है, अमेरिका से प्रीत है। उपराष्ट्रपति, जो पद है वो न्यायपालिका में, जितने भी न्यायपालिका सिस्टम है सब वहां से लिया गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा भी क्या है, थोड़ा उसी से वहां से प्रेरित है। राज्यसभा, उसके बाद आयरलैंड, राज्य के संसद रूस,
ऐसे बहुत सारी चीज क्या है हमने लिया, लेकिन हमारे संविधान का जो मुख्य चीज जो हमने लिया है उसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारे संविधान का एक जो 2/3 भाग हमने जो लिया है वो यहाँ से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935। हमारे संविधान का 2/3 पार्ट क्या है हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है, बाकी जो 1/3 भाग है वो अलग अलग जगह से हम लोगों ने लिया है। तो ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, रूस, जर्मनी, अफ्रीका, ये बहुत सारे बात पूछ जाते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। जैसे एकल सिटीजनशिप है जिसको सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, आपातकाल हो गया, राज्य के नीति दिशा तत्व हो गया जिसको डीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, न्यायपालिका हो गया, तो ये सारी चीज क्या है आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सारी चीज क्या है हमने अलग अलग से लिया गया। इसके बाद क्या है हमारे जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था मूल संविधान में मूल संविधान और वर्तमान संविधान पहला है आपका अनुसूची, उसको शेड्यूल कहा जाता है। मूल संविधान में 8 था, वर्तमान में 12 हो गया है। दूसरा है भाग, मूल संविधान में भाग क्या था 22 भाग था, अब 25 भाग हो गए। उसके बाद अनुच्छेद या आर्टिकल, मूल संविधान में 395 था, अभी देखिएगा ये 475 से अधिक बन गया है, अभी वर्तमान डेटा 475 दिखा रहा है, ये बनते जा रहा है अलग अलग, ठीक है। तो धन्यवाद। देखिए मूल संविधान में 8 शेड्यूल था, 8 शेड्यूल था, वर्तमान में 12 शेड्यूल हो गया। भाग कितना था 22 भाग था, वर्तमान में 25 पार्ट हो गया। और अनुच्छेद जिसको आर्टिकल कहते हैं 395 था, 385, और वर्तमान में 475 से अधिक हो गया है, ठीक है। इसका कोई एक्यूरेट नहीं है, हमेशा बढ़ता रहता है, तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता है, जुड़ता रहता है और बढ़ता जाता है। अभी आप लोग जरा बताइएगा, अभी ठीक है महिला जो आरक्षण बिल पास किया गया ना, इसको महिला वंदना अधिनियम लाया गया है, वो कौन सा संविधान संशोधन है आप लोग बताइएगा। पर इनका बहुत ही मतलब कह सकते अच्छा क्वेश्चन है कि अभी जो महिला आरक्षण बिल जो संसद में पास हुआ है वो कौन सा संविधान संशोधन है। तो ये मूल संविधान में था और इसमें है। अब देखिएगा इसमें जो शेड्यूल है, शेड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अनुसूची कहते हैं। देखिए जो पहला अनुसूची है यानी अनुसूची अगर हम लोग देखें या शेड्यूल देखें, वन इसमें राज्य और उनके क्षेत्र के बारे में, यानी देश में देश और उनके क्षेत्र के बारे में, इसमें भारत को नहीं किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। भारत को क्या कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं राज्यों का संघ। भारत कैसा है, राज्यों का संघ, यानी राज्य से मिलकर भारत बना हुआ। पहला अनुसूची में ये बताया गया है, पहले अनुसूची में यह है कि भारत के अगर कोई राज्य नया बनने वाला है तो उसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे अभी देखिए उत्तराखंड को अलग बनाया गया है, तो उसमें क्या अनुसूची एक में संशोधन करना होता है, या मान लेते हैं कि भारत के कोई भाग को किसी दूसरे देशों को कुछ देना है या लेना है, तो उसमें जो संशोधन किया जाता है उसमें भाग एक में संशोधन किया जाता है। या जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश में पहले राज्य था, इसमें अनुसूची वन में क्या होगा चेंज करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं अनुसूची वन। देखिए अनुसूची जो दो है इसमें क्या बताया गया कि जो हमारे यहाँ पे जो
अधिकारी होते हैं, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जो प्रशासनिक या शासन युग में जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं उन लोगों का क्या होगा, वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है, यानी सैलरीज एंड अलाउंस जो दी जाती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति का हो गया, प्रधानमंत्री का हो गया, स्पीकर का हो गया, उपसभापति का हो गया, इन सारे के बारे में क्या है, वेतन एवं भत्ते की बात। तीन में क्या हुआ, इनको शपथ की बात बताएंगे, शपथ कैसे लेगा। देखिए अलग अलग जो पोस्ट होता है उनका अलग अलग शपथ होता है, जैसे राष्ट्रपति का शपथ अलग होता है, प्रधानमंत्री का शपथ अलग होता है, उनके पास जो मेंबर बनते हैं चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो उनका शपथ अलग अलग होता है। तो शपथ का भाषा क्या होना चाहिए, शपथ किनके समक्ष लेना चाहिए, किनके समक्ष नहीं लेना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति किनके समक्ष शपथ लेंगे, जैसे हमारे जो सीजीआई है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके समक्ष शपथ लेंगे, या वो नहीं होंगे तो कौन लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज जो टेक्निकल चीज है इनके बारे में बताया गया था कि शपथ कैसे होना चाहिए। चार में क्या है, शेड्यूल चार में क्या है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में क्या होना चाहिए, इसमें कितने सीट होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, वेतन भत्ते कितने होने चाहिए सदस्यों के, कार्यकाल कितनी होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जो शेड्यूल फोर है वो बताया गया। शेड्यूल फाइव में क्या है, एससी और एसटी क्षेत्र का प्रशासन बताया गया, क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बताया गया। यानी जो एस सी एस टी क्षेत्र होता है ना वहाँ पे थोड़ा सा सामान्य प्रशासन से अलग प्रशासन होता है, कि एस सी एस टी के जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति खरीद नहीं सकता है, तो वहाँ पे अलग सा नियम होता है, कानून व्यवस्था उनके लिए अलग सा क्या होता है, व्यवस्था होती है, ये सारी चीज। सटा क्या है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्य है, मिजोरम है, ये चार जो राज्य है यहाँ पे जो एसटी लोग रहते हैं उनका एसटी का प्रशासन कैसे होना चाहिए, एसटी लोग का प्रशासन क्या होगा। देखिए उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है वहां पे एक अलग सा मंत्री बना जाता है जो क्या होता है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए क्या होता है प्रशासन को देखभाल करता है, जो सामान्यतः सामान्य राज्य में नहीं होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है जो एसटी लोग हैं बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो उनको क्या समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उनको विशेष सुविधा दी जाती है। इसके लिए क्या है जो हमारे शेड्यूल सिक्स है उसमें मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम के जो एसटी है उनका प्रशासन के बारे में बात की गई है। ठीक है, सेवन में क्या है, शेड्यूल के बारे में यानी सूचियां बताई गई है, सेवन में सूचियां बताई गई है लिस्ट, और ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है संघ सूची या यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और एक होता है संवर्ती सूची जिसको कंक्रीट लिस्ट या सूची कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो कानून बनाएगा हमारा संसद कानून बनाएगा, इसमें कानून बनाएगा विधानसभा या विधानमंडल कानून बनाएगा, और इसमें क्या है संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर विवाद होगा तो संसद के कानून को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि संसद बड़ा है ना विधानमंडल से, तो अगर इन दोनों में कोई कानून बनाया अगर कानून में कोई विवाद हो गया तो संसद के कानून को वरीयता, जैसे देखिए संघ सूची में क्या होगा जो केंद्र सरकार कानून बना सकता है, जैसे रेलवे होगा, रेलवे किसका है संघ सूची का है, डिफेंस क्या है संघ सूची का है, उसके बाद आपका क्या है ट्रेड यानी विदेश जो ट्रेड होता है विदेशी व्यापार क्या है उसमें, डाक क्या है, ये सारी चीज क्या होता है आपका संघ सूची का विषय होता है। स्टेट में देखिए लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, परिवार कल्याण हो गया, देखिए जनगणना क्या है संघ सूची का विषय, बस ये सारे क्या होता है आपका राज्य सूची का विषय होता है। संवर्ती सूची में क्या होता है कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या है संवर्ती सूची का विषय हो गया। ठीक है, तो सात में क्या है, इसके आठ में क्या है भाषा का उल्लेख है, ठीक
है, हमारे संविधान में 22 भाषा को क्या है, संवैधानिक मान्यता मिली है। और भारत में प्रशासन का पहले 15 साल भारत का प्रशासन क्या है, अंग्रेजी भाषा में हुआ था, किया गया था अंग्रेजी भाषा में किया गया था। आजादी के 15 साल तक हमारे प्रशासन का जो भाषा है वो क्या था, अंग्रेजी था। अभी भी देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भाषा है ना वो अंग्रेजी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप कोई भी अर्जी या कुछ भी दाखिल करेंगे तो उसमें क्या अंग्रेजी में टाइप होगा, फिर वो क्या होगा उसको मान्यता। से दूसरी बात भी देखिएगा, आप लोग कभी कुछ भी पेपर वगैरह देते हैं तो उसमें देखिए लिखा रहता है कि अंग्रेजी वर्जन को वरीयता दी जाएगी, या न्यायालय में चुनौती देंगे तो अंग्रेजी वर्जन को दी जाएगी। आज भी क्या था, हम इतने गुलाम हो गए हैं फिर अंग्रेजी को छोड़ ही नहीं पा रहे। तो अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी भाषा क्या इन 22 भाषाओं में है नहीं। ये जो 22 भाषा है ना, ये क्या था, जो भारतीय ओरिजिन भाषा है उनको शामिल किया गया है। अंग्रेजी क्या है, भारतीय भाषा नहीं है, इंडियन लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो 8 शेड्यूल था ये क्या था, हमारे मूल संविधान में था। अब 9वां शेड्यूल देखिए क्या है, 9वां शेड्यूल है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ये क्या था, आजादी से पहले हमारे यहाँ पे राजा महाराजा नवाब बहुत बड़ा बड़े लोग रहते थे, जमींदार, तो उन लोगों ने भूमि कब्जा करके रखा था। तो भारत सरकार उनसे जमीन लेने चाहते थे, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार था पहले वो क्या था, फंडामेंटल राइट था, यानी मौलिक अधिकार था। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सरकार उसको जमीन को लेने में असक्षम हो गया था। तो बाद में क्या इसमें सुधार करके शेड्यूल 9 को ऐड कर दिया और बताया था कि जो अच्छे जमीन होगा वो एक व्यक्ति को 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा, जो खराब जमीन होगा वो 54 एकड़ दिया जाएगा। लेकिन शर्त इसमें यह था कि तालाब, मंदिर, मस्जिद, खेल के मैदान, स्कूल वगैरह वगैरह इसको शामिल नहीं कर देंगे। तो लोग भी चालाक निकले, वो भी क्या होगा, रातों रात स्कूल वगैरह वगैरह बना दिया और उनके जो कार्यक्रम था उसको बना दिया। अभी देखिए उत्तराखंड में क्या है, ये आंदोलन हो रहा है कि जो भूमि उन्मूलन आंदोलन चल रहा है, जो बड़े बड़े भूस्वामी है उनसे भूमि छीना जाए और बाकी लोगों को बांट दिया जाए। क्योंकि ये जो ऊधम सिंह नगर और जो हरिद्वार का जो बिल्ट है, इसमें जो कुछ लोगों के पास क्या बहुत ज्यादा ज्यादा जमीन है, तो पहाड़ के जो ऊपर के लोग हैं उनका डिमांड है कि इन क्षेत्र में देखिए आजकल इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार का, पहले तो इनमें लोग आते नहीं थे क्योंकि यहाँ पे जो मच्छर वगैरह बहुत होते थे, बीमारी बहुत होते थे, इसलिए आते नहीं थे। आजकल इनका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया कि इनका भूमि सुधार करके इनको बांट बांट के क्या होता है, इनको बसाया जाए कॉलोनी, जो पहाड़ के ऊपर के लोग हैं। तो भूमि सुधार का मतलब होता है कि जमींदार जिनके पास अधिक भूमि था उनसे भूमि छीनकर जो जिनके पास भूमि नहीं था उनको दिया जाए। लेकिन अभी तक भारत में सफल नहीं हो पाया क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वही सरकार में होते हैं, तो उनसे कैसे छीना जाएगा। दूसरा है 10वां अनुसूची, इसमें था दल बदल अधिनियम। दल बदल निरोधक कानून जिला, इसको एंटी डिटेक्शन लॉ कहा जाता है। इसको देखिए काम जोड़ा गया था 1985 में, जोड़ा गया था 52 अमेंडमेंट में, जोड़ा गया था संसद में, जोड़ा। इसमें क्या कहा है, जो देखिए जो राजनीतिक पार्टी लोग होते हैं वो क्या होता है, मौका देख के क्या जो विधायक या सांसद होता है दल बदल देता है। जैसे आप लोग 2016 में उत्तराखंड में देखे थे बड़े पैमाने पे क्या था, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। अभी बीजेपी में है, अगर कल क्या है बीजेपी की सरकार कमजोर हो गया तो सब बीजेपी से कांग्रेस में चले आएंगे। तो जब अगर किसी पोस्ट में कोई व्यक्ति है, कोई विधायक है या एमएलए है, तो वो क्या था सामान्यतः क्या दल बदल नहीं सकते। उसके लिए क्या होगा कि अगर 2/3 व्यक्ति अगर दल बदलना चाहे तभी वो दूसरे दल में जा सकते हैं और उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अगर 2/3 से कम लोग, मान लेते हैं कि 30 सदस्य का एक पार्टी है, उनमें से अगर 20 सदस्य अगर टूट के कोई दूसरे दल में शामिल हो जाता है या कोई दूसरा दल बना लेता है तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अगर इनमें से अगर 10 लोग अगर इनमें से अलग हो जाए और दूसरा पार्टी बना ले तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी।
आजकल आप लोग महाराष्ट्र में सुन रहे होंगे, जो शिंदे वाले गुट है और अजीत पवार वाले गुट है, इनका बहुत चला मैटर चल रहा है कि दल बदल अधिनियम जिसे कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं करोड़ों में, आप जानते हैं 2012 में क्या है, कांग्रेस ने बीजेपी के एक विधायक को बहुत खरीद लिया था, विजय बहुगुणा के समय पे, उस समय 11 करोड़ में खरीदा गया था। तो आप समझते हैं कि और कितने करोड़, बहुत बड़े बड़े बोली होता है, कोई खरीदा जाता है। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में, राजनीति में भी उतने ईमानदार लोग नहीं, सत्ता बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए ये सब चलता रहता है। तो कुल मिला के जो दल बदल अधिनियम है, उसमें अगर किसी पार्टी के निशान से अगर आप चुनाव लड़ते हैं, तभी आप दल बदल सकते हैं, जब आप 2/3 सदस्य अगर उस दल से अलग होकर कोई दूसरा दल बना लेता है। अगर 2/3 से कम होगा तो अगर दल बदलेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब विजय बहुगुणा या जो हरक सिंह रावत और या वो सतपाल महाराज लोगों ने 2016 में, 16 ने, हाँ 16-17 में जब दल बदला था, तो उनकी सदस्यता चली गई थी, क्योंकि तो वो 2/3 नहीं थे। ठीक है, 2/3 अगर होंगे तब दल बदलने के। और एक बात, अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति अगर क्या 6 महीने से पहले अगर किसी दल में शामिल हो जाता, तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। आप लोगों ने देखा था कि जो भीमताल का जो विधायक था राम सिंह केरा, उन्होंने बीजेपी को में शामिल हो गया था, लेकिन वो 6 महीने बाद शामिल हुआ था। देखिए छोटे छोटे चीज इसको जानिएगा तो होगा कि ये सब होते रहते हैं। उसके बाद अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज, पंचायती राज है अनुसूची 11। देखिए 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, पंचायती राज। ये आपको अलग से बताऊंगा। 12 में क्या था, नगर निकाय, इसको अर्बन बॉडी कहते हैं, ये भी क्या है 1992 में जोड़ा गया था, 72वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था 74वें। 74वें में क्या है, नगर निकाय है और पंचायती राज कितना है, 73 में है, इसमें इसको हटा के इसको ऐड किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो भूमि सुधार है, वो पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, भूमि सुधार को भी देख लीजिएगा। भूमि सुधार को कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 1951 में जोड़ा गया था, और इसमें था प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, प्रथम संविधान के माध्यम से इसको जोड़ा गया, जो लैंड रिफॉर्म था। आज भी देखिए उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने में इस पे आंदोलन चल रहा है। तो ये क्या है, 12 आपका शेड्यूल है, इन शेड्यूल में से आप लोग याद रखिएगा 12 को, जो नया चार्ट जुड़े हैं इसको बार बार पूछता है, लैंग्वेज को भी बार बार पूछ लेता है, इनको आप लोग एकदम रट जाइएगा, इनमें से सवाल पूछते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ तक करते हैं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर बनता है तो आप लोग पूछिए। शुरू तक करते हैं, कल आपको आगे देखेंगे। किसी का कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब पाकिस्तान की घोषणा होने के बाद जो जो यहाँ से सदस्य चले गए थे, तो उसके बाद कितने सदस्य रह गए थे यहाँ पर? थ्री उसमें रह गए थे, एटी हाँ नाइन में से 389 में से रह गया था, 299 रह गया था, 299 सदस्य रह गया। ठीक है, उसमें से कुछ कम हो गया था। देखिए बाद में क्या था, 284 लोगों ने संविधान सभा में जो उनका संविधान बना था ना, उसमें साइन किया था, कुछ लोग बीच में डेथ भी हो गए थे ना, अब लोग बुजुर्ग, देखिए अब नेता अधिकतर बुजुर्ग ही बनते हैं, तो उसमें से कुछ लोग डेथ भी हो गए थे। तो उसमें से देखिए क्या होता है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान वालों में चले गए थे, तो उनके बाद 299 सदस्य रह गया, 299 सदस्य रह गया। और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा जितना भी बनता है। सर, और यूएस में भी लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है ना? नहीं, यूएस में केवल गणतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र कह सकता है। लेकिन वो अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है ना? देखिए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शन होना चाहिए, सरकार का इलेक्शन, वहां पे देखिए वहां पे राष्ट्रपति ही सरकार होती है, समझ लीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति
वास्तविक सरकार नहीं है या सरकार के मुखिया नहीं है, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति क्या सरकार के मुखिया होते हैं। देखिए भारत में क्या होता है, हमें क्या होता है लेजिस्लेटिव से ही क्या होता है मंत्री बनाना होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में क्या होता है जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो अपने मन पसंद से लेजिस्लेटिव के बाहर से व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं। अमेरिका में वहां के संसद के लोग मंत्री नहीं बनते हैं, लेकिन भारत में क्या है कंपलसरी है कि भारत में जो भी सदस्य बनेगा मंत्री बनेगा वो भारत के संसद के सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो 6 महीने में सदस्य बनना चाहिए। तो ये क्या था, ये जो जो सरकार के क्या था फॉर्म होते हैं रूप होते हैं अलग अलग जगह पे, जिसे उसको सरकार को हम अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यानी संसदीय व्यवस्था गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे देखिए क्या है, सरकार से बड़ा संसद है यानी हमारे लेजिस्लेटिव क्या था सरकार यानी ठीक है। सरकार के 3 रूप है, जो एग्जीक्यूटिव है और क्या था लेजिस्लेटिव है और जुडिशियल है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है ना वो क्या है उससे बड़ा हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो जनता द्वारा जो राष्ट्रपति को चुना जाता है, जो संसद क्या होता है बहुत ही रेयर केस में उसको हटा सकता है, या राष्ट्रपति के पास क्या होता है रियल वीटो होता है अमेरिका में। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसे कोई रियल वीटो नहीं होता है, वीटो कुछ मैटर में कर सकते हैं लेकिन वो क्या था उतना रियल नहीं कर सकते, वास्तविक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे अंतर होते हैं। ये रूल गवर्नमेंट के अलग अलग रूल है कि ये बहुत अंदर की बात है, आप उतना मत जाइएगा, समझ जाइए कि वहां पे क्या था मेनली ठीक है गणतंत्र के रूप से क्या था अमेरिका सबसे पुराना है, वहां पे राष्ट्रपति रूल है। और लोकतंत्र का सबसे पहला राज्य अगर देश देखा जाए वो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सबसे पहले लोकतंत्र बना था। ब्रिटेन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है, ब्रिटेन है। और सबसे पुराना गणतांत्रिक देश कौन सा है यानी रिपब्लिक कंट्री कौन सा है, वो है आपका अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं। और कोई सवाल? पर जो अनुसूचित तीसरी है ना, थर्ड अनुसूची, तो सर शपथ है तो सर उसके अंदर में राष्ट्रपति की शपथ भी आती सभी के शपथ आते हैं, जितने भी बड़े बड़े संवैधानिक पद होते हैं उन सबका शपथ होता है। जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं आप राज्यपाल बन जाते हैं, तो राज्यपाल का शपथ में कोई भाषा होगा ना, उसमें भाषा होता है अलग से लिखा जाता है, उसके बाद वो किनके समक्ष लेंगे। अगर मान लेते हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे तब किनके समक्ष शपथ लेंगे, ये सब चीज मेंशन होना चाहिए ना, अचानक थोड़ी ना हो सकता है, तो ये सारी चीज मेंशन होता है उसमें, शपथ किसके, उनका भाषा कैसा होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग चीज होता है, मंत्री जब शपथ लेते तो उनकी भाषा अलग होती है, ये भाषा अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है, उनके किनके समक्ष लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री किनके समक्ष लेते राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए उसमें राष्ट्रपति कोई है ही नहीं तब किनके समक्ष लेंगे, तो ये सारे चीज क्या था उसमें मेंशन होता है, ये है। और उनका भाषा अलग अलग होता है क्योंकि हर हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग अलग होता है, तो कर्तव्य के हिसाब से उनके भाषा भी चेंज होते हैं, ठीक है। और बताइए आप लोग। सर, राज्यपाल का कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया? राज्यपाल का शपथ कौन दिलाते हैं? देखिए राज्यपाल का जो नहीं, राज्यपाल जो पद है ना, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ठीक है, राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट है ये कनाडा से लिया गया था, कनाडा, कनाडा क्या था, देखिए कनाडा और भारत का जो संघीय व्यवस्था ना लगभग बराबर है। हमारे देखिए हमारे यहाँ पे राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता, लेकिन अमेरिका में राज्यपाल का इलेक्शन होता है, लेकिन कनाडा में भी क्या था राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता। तो हमारा जो राज्यपाल का जो व्यवस्था है वो क्या है कनाडा से लिया गया। अमेरिका में क्या है वहां पे राज्यपाल का गवर्नर का इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं, हमारे यहाँ क्या अपॉइंटमेंट किया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कुल मिला के राष्ट्रपति द्वारा उनको अपॉइंटमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर। इसलिए देखिए राज्यपाल को क्या करता है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कहा जाता है। हमारे यहाँ पे देखिए बोलो ना कि हमारे यहाँ क्या है डेमो पार्लियामेंट्री है यानी जो संसदीय व्यवस्था, इसलिए देखिए मुख्यमंत्री का पास ज्यादा पावर होता है, राज्यपाल के पास ज्यादा पावर नहीं होता है, इसलिए कोई राज्यपाल नहीं बनना चाहता हमारे देश में, जो राज्यपाल बना उसका करियर समाप्त समाप्त हो गया। राज्यपाल बनने का मतलब है उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो चुका है, ये है। देखिए हमारे देश में राज्यपाल बहुत ही जो अच्छे नेता वो बनना नहीं चाहता है। और बताइए।
चलिए, कोई और किसी का क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर हम आगे कल करेंगे अब अगला क्लास। थैंक यू सर। ओके।